हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अभी जो रिचुअल हो रहा है, जी हाँ, ये है शादी का ब्लॉग। यहाँ पे द्वार पूजा की जो रस्म है वो चल रही है और सारे लोग बैठे हुए, जी हाँ, वर पक्ष और वधु पक्ष देख सकते हो दोनों लोग बैठे हुए हैं और स्टेज पर जो है वो द्वार पूजा की रस्म अभी हो रही है। और उसके बाद देखिए कि और क्या क्या होता है। तो फाइनली ये जो शादी है वो किसकी शादी है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं, आंटी, और यहाँ पे हमारी सारी ननद जो हैं, कैसा लुक है मेरा वो भी बताइएगा। और यहाँ पे जैनी आ गई, जी हाँ, और सारे लोग हम लोग विन कर रहे हैं। और किसका लुक कैसा लग रहा है वो भी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार मुझे मौका मिला था किसी शादी में जाने का, जी हाँ, ससुराल से मैं पहली बार किसी शादी में गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा ही इंजॉय की। तो देख सकते हो मेरा लुक कैसा, कैसी मैं लग रही हूँ वो भी मुझे बताना आप लोग कमेंट्स करके। और अभी बहुत कुछ है शादी में, जी हाँ, जयमाला कैसे होता है वो भी मैं आऊँगी। फिलहाल यहाँ पे हमारे छोटे से देवर वीर, जिसको आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते थे, अब वो नहीं, अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो इसलिए नहीं दिखते हैं। तो ये देखिए मुँह कैसे बना रहे हैं वीर। फिलहाल यहाँ पे मम्मी, मैं, दोनों आदमी हैं। मम्मी का लुक कैसा लग रहा है वो भी कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं, जी हाँ, जया, जी हाँ, जया जो है, जया का लुक बताइएगा। जया भी बहुत सुंदर लग रही थी। और मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। और ऐसे ही, और यहाँ पे देख सकते हो द्वार पूजा की जो रस्म है अभी हो ही रही है। अब बाकी सारे लोग यहाँ पे दुल बिहार में ज़्यादातर जो है वो पर्दा प्रथा अभी भी है। तो देख सकते हो घूंघट तो नहीं लेकिन सर पे पल्लू अभी भी लोग रखते हैं और हाँ, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो दुल्हन की बहन लोग कैसी तैयार हुई है। यहाँ पे अंकल जो है वो द्वार पूजा कर रहे हैं, जी हाँ। और ये लड़का जो है वो दूल्हा राजा वो बैठा हुआ है, जी हाँ, दूल्हे राजा भी बैठे हुए हैं देख सकते हो। और अभी बहुत कुछ है यहाँ, ब्राइडल का लुक, जी हाँ, जो दुल्हन है दुल्हन का लुक आप लोग बताइएगा। दुल्हन की ये दोनों छोटी सी सिस्टर है और ये यहाँ पे दुल्हन जो है मुस्कुरा रही हैं। अब मैं भी आ गई हूँ दुल्हन के पास, जी हाँ, दुल्हन से मिलने के लिए मैं भी आई थी। तो फिलहाल मैं फुल लुक दिखा रही हूँ दुल्हन का, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि दुल्हन कैसी लग रही हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये हैं दुल्हन, और मैं हूँ दुल्हन की भाभी, यहाँ पे आंटी देख सकते हो। और ये खुशी, जी हाँ, रानी की बहन है, दुल्हन जो है उनका नाम रानी। और यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो रही है देख सकते हो। तो ये नई नया जो है वो आंटी की थी, आंटी का ये सोच था कि सबसे पहले बहन लोग रहेगी। ऐसे अक्सर आप देखते हैं दुल्हन फर्स्ट में और बहन लोग साइड में रहती है, लेकिन यहाँ पर ये यूनिक लगा मुझे। और सही से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गैदरिंग हो गया था, इसलिए नहीं आ पाया। और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो दूल्हे राजा अपने दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं। दुल्हन आ गई हैं स्टेज पे देख सकते हो। और आजकल जो कैमरामैन है वो बहुत ज़्यादा ही पोज दिलवाते हैं और अच्छा भी लगता है। उस वक्त तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है लेकिन बाद में जब ये पिक आता है, एल्बम बन के आता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैमरामैन के साथ साथ सारे लोग जो है वो आजकल कैमरा अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मैं भी बना रही थी। और यहाँ पे दूल्हा जो है दुल्हन का हाथ पकड़ के अब स्टेज पे ले जाएंगे। तो ये हर शादी में ये सीन तो एवरग्रीन सीन जो कुछ कुछ होता है ना वो होता है, और ये वही सीन है जहाँ पे हर शादी में ये सीन आप लोग को कॉमन है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपने पल को याद कर रही थी, अपनी शादी को याद कर रही थी कि कैसे कुंज के पापा आए थे इसी तरह से। और उसके बाद आगे बने रहिए, बहुत कुछ है ब्लॉग में। और फिलहाल यहाँ देख सकती हूँ मैं कैमरे से भी रिकॉर्ड कर ली जो मेन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था।
और फाइनली दुल्हन आ गई है स्टेज पे और फोटो शूट हो रहा है, देख सकते हो। उसके बाद जयमाला की रस्म होगी, तो जयमाला के लिए अभी थाली नहीं आया है, तो थाली भी आ गई है। जी हाँ, जयमाला की जो थाली होती है यहाँ पे दुल्हन की जो बहन होती है वो हाथ में लिए रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो माला की थाली जो है वो जैनी ली हुई है, अखोसी आरती की थाली। तो आरती सबसे पहले होता है जी हमारे बिहार में, आरती जो है वो सबसे पहले आरती, फिर टीका, उसके बाद अक्षर छिटा जाता है और उसके बाद ही जयमाला होता है। आप लोग के यहाँ कैसा होता है, किस तरह से होता है वो भी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद पार्टी का समय इंजॉय की फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ी सी हेजिटेशन, डर भी लगता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोच कैमरा मैन बार बार अपनी ओर देखने के लिए बोल रहे हैं। अल्लाह दूल्हे राजा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्यों ना भाई, मुस्कुराना चाहिए। दुल्हन बहुत खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो इन दोनों को, नए दाम्पत्य को ढेर सारी शुभकामनाएँ दिए आप लोग हमारे ब्लॉग के थ्रू, और भगवान करे इनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ बनी रहे और ऐसे ही लोग मुस्कुराते रहें। फिलहाल यहाँ पे ये मिठाई खिला रही है और अब जयमाला की बारी है। साइड में देख सकते हो मैं भी खड़ी हूँ रेड साड़ी में। तो अब टिकटॉक की जो घड़ी है वो तैयार होगी और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो वधू जो है वर को जयमाला पहना दी है, देख सकते हो। और अब दूल्हे की बारी है, तो दूल्हे भी अब ज़्यादा देर नहीं करें, वधू डाली, फाइनली जयमाला हो गया है, देख सकते हो। के बाद हम लोग नीचे आते हैं। जी हाँ, एक बार सोची कैमरा घुमा के क्यों ना आप लोग को कवर दिखाऊँ, यहाँ कभी कितने गेस्ट आए थे वो सारे लोग को देख सकते हो। बहुत लोग अपने हाथ में कैमरा लेके वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बना रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जयमाला के बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे हैं, जी हाँ, चेयर पे। और ये दुल्हन की बड़ी सिस्टर है, जी हाँ, इनका नाम है प्रीति। दो सिस्टर बड़ी हैं और ये चौथे नंबर पर ये हैं, सॉरी। और यहाँ इनका लहंगा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। और फिलहाल यहाँ मैं अब चली, जी हाँ, बाहर। थोड़ा बहुत मैं स्टेज का दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो ये गाने पे डांस करिए, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो हमारी जीजा जी। तो थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि कॉपीराइट का डर हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है वो खाना खा रही है। हम लोग खाना खा चुके थे, तो थोड़ा हल्का सा मम्मी का भी मैं ले ली। और अब यहाँ पे मैं और कुंज के पापा, कुंज और जया। अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, तो मैं सोची क्यों ना एक बार कैमरा घुमा के दिखा दूँ आप लोगों को। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये बिहारी ब्लॉग वेडिंग, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।